आइए आज हम आपको सुनाते हैं कंप्यूटर बाबा की कहानी। ये वही कंप्यूटर बाबा हैं जिन्होंने दिग्विजय सिंह को चुनाव जिताने के लिए भोपाल में यज्ञ कराया था। उसी यज्ञ में दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए थे और कंप्यूटर बाबा के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किया था। अब सवाल इस बात का है कि कंप्यूटर बाबा के उस यज्ञ से किसका भला हुआ? क्या दिग्विजय सिंह चुनाव जीत पाए? क्या प्रज्ञा ठाकुर को वह चुनाव हरा पाए? और इस यज्ञ से क्या फायदा हुआ? लोगों ने भी इस यज्ञ की आलोचना की थी कि प्रज्ञा ठाकुर की राह पर दिग्विजय सिंह क्यों जा रहे हैं और इस तरह के यज्ञ से क्या उनका भला होने वाला है? क्या कंप्यूटर बाबा कोई चमत्कारी व्यक्तित्व हैं जो चमत्कार कर देंगे और दिग्विजय सिंह को चुनाव जिता देंगे? लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे माहौल ने दिग्विजय सिंह की ही स्थिति खराब की। इसके बाद हद तो तब हो गई जब कमलनाथ सरकार द्वारा कंप्यूटर बाबा को नर्मदा न्यास का अध्यक्ष बना दिया गया। नर्मदा न्यास का अध्यक्ष बनते ही सबसे पहले उनके ऊपर अटैक हुआ है लक्ष्मण सिंह की पत्नी रूबीना शर्मा सिंह का। जी हाँ, लक्ष्मण सिंह यानी दिग्विजय सिंह के छोटे भाई, उनकी पत्नी ने कंप्यूटर बाबा पर हमला बोलते हुए कहा है कि कंप्यूटर बाबा को सत्ता में महत्व देकर उन्हें पावरफुल बनाना बेहद गलत है और इस तरह के ढोंगी बाबाओं को किसी भी हालत में सत्ता में मजबूत नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कंप्यूटर बाबा के बारे में यह भी कहा कि वे ढोंगी हैं, धूर्त हैं, उनका कोई महत्व नहीं है और उन्हें कमलनाथ सरकार ने क्यों महत्व दिया है यह समझ के परे है। अब सवाल इस बात का है कि एक तरफ तो दिग्विजय सिंह कंप्यूटर बाबा से अपने चुनाव के लिए यज्ञ कराते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि उससे कोई चमत्कार होगा, और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के भाई की पत्नी रूबीना सिंह कंप्यूटर बाबा को कटघरे में खड़ा करके उन्हें ढोंगी कहती है और उनको पद दिए जाने का विरोध करती है। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस के भीतर आखिर चल क्या रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह के परिवार में क्या चल रहा है? क्या रूबीना सिंह को इस बात की जानकारी नहीं है कि कंप्यूटर बाबा दिग्विजय सिंह के खास हैं और कमलनाथ सरकार ने उन्हें पद देकर महत्व तो दिया ही है? इसके बावजूद लक्ष्मण सिंह की पत्नी ने उन पर जो हमला बोला है वह बेहद मायने रखता है और उससे यह भी साबित होता है कि कहीं न कहीं गहरा अंतर विरोध पार्टी के अंदर भी चल रहा है और दिग्विजय सिंह परिवार में भी चल रहा है। कुल मिलाकर हमारे लिए यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कंप्यूटर बाबा को नर्मदा न्यास का अध्यक्ष बनाने के बाद किसका भला होगा? नर्मदा का भला होगा, प्रदेश की जनता का भला होगा या कमलनाथ का भला होगा? कंप्यूटर बाबा ने तो अध्यक्ष बनते से ही यह भी मांग कर डाली कि उन्हें हेलीकॉप्टर चाहिए। इस बात की भी कई मंत्रियों ने हंसी उड़ाई, मजाक बनाया। अब सवाल यह भी है कि कंप्यूटर बाबा को ही यहाँ अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्या कंप्यूटर बाबा ने नर्मदा के लिए कोई विशेष कार्य किया है? क्या वे नर्मदा के विशेषज्ञ हैं? क्या उन्होंने नर्मदा की यात्राएं की है? प्रदेश में कई ऐसे पर्यावरणविद मौजूद हैं जिनका पूरा जीवन नर्मदा के नज़दीक बीता है, जिन्होंने नर्मदा की यात्राएं की हैं, जो नर्मदा के पर्यावरण को समझते हैं, नर्मदा की स्थितियों को समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई महत्व नहीं दिया गया और कंप्यूटर बाबा को अध्यक्ष बना दिया गया। अब सवाल इस बात का है कि शासन का पैसा भी जाएगा जो जनता के खाते से आता है, जिसका टैक्स के रूप में जनता देती है, अब इससे किसका भला होना है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।